हे गाइस, मैं हूं मुसिन और क्रिएटिव मुसिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो पे हम एक डिवाइस बनाने वाले हैं जो कि आपके अगर आपके कोई कार है तो उसमें जो है ना ये प्रोडक्ट ये जो चीज़ है वो आपकी बहुत ही काम की चीज़ होने वाला है, बहुत ही जो है ना ज़रूरी चीज़ होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है ना मेन चीज़ वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा और आप देख भी पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक जो है ना बक्सा बना रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, आप किसी भी डब्बा वगैरह ले सकते हो। मैंने पीवीसी के पाइप होता है उसको शीट बनाया, फिर उसको जो है ना यहाँ पे बक्से टाइप के बना रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉक्स टाइप का बनाएंगे, फिर उसके अंदर जो है ना लगाए जो अपना सामान है उसको यहाँ फिट करेंगे। तो सामान जो है ना वो मैं कार इन्वर्टर बनाने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने जो मेरे कार है रेनॉल्ट का क्विड है तो अपना शोरूम पे गया था और वहाँ पे आजकल के जो बड़े बड़े आपका हैवी वगैरह जो भी जितने सारे एसयूवी टाइप गाड़ियाँ है सब आता है, उसमें आपका इन्वर्टर लगा हुआ रहता है कार में एसी प्लग। तो इस तरह की छोटी जो कार आती है आपका एंट्री लेवल कार उस पर नहीं होता, तो हमें भी चाहिए ना, ऐसा शौक रहता है कि इन्वर्टर हो अपने कार में भी। तो ये देख सकते हो, ये मैंने 100 वाट का इन्वर्टर जो है ना उसको मंगाया है। 100 से 150 वाट आसानी से उठा सकता है। ये आप सोच रहे हो कि कहीं जाने पहचाने से लगता है, जितने सारे बंदों को इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज होगा उसको शायद ये पता चल गया है किस टाइप का बोर्ड है। ये 45 वाट जो अपना CFL का इन्वर्टर आता है उसका बोर्ड है। तो मैंने यहाँ पर आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के मैं 100 वाट का बल्ब अभी इसमें से जला के दिखाऊंगा। ये भी देख सकते हो, मैं इसका जो ये 12 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्मिनल है इसको मैं अभी चेक करके बता रहा हूँ कि ये देखो हाथ से छू के बता रहा हूँ कि इस पर कोई शॉर्ट वगैरह नहीं लगता। नहीं तो कुछ लोग ऐसे करेंगे कि ये एसी करंट दे दिया और बल्ब को जला दिया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट किया और आउटपुट में आपको एसी करंट मिल रहा है। तो इस इन्वर्टर को जो है ना इस बक्से के अंदर फिट करने वाला हूँ और पूरी तरह से एक जो है ना कार इन्वर्टर जैसे बनाने वाला है। और इसका जो आपका जो इनपुट का पावर है 12 वोल्ट वो हम गाड़ी से ले लेंगे। आपको पता ही होगा गाड़ी की किसी भी आपका नट पे आपको नेगेटिव का जो आपका वो है वो आपको मिल जाता है और पॉजिटिव आपको अलग से लाना पड़ता है। तो इस पर एक सुरक्षित की बात यह है कि आप इस पर एक फ्यूज़ भी लगा दो पॉजिटिव की वायर में ताकि कुछ वायरिंग वगैरह में कुछ ख़राबी ना आए, क्योंकि हम नेगेटिव जो है ना वो बॉडी से गाड़ी की बॉडी से लेने वाला है। तो यहाँ पे देखते तो बक्से के दो साइड में दो होल करूँगा, एक तो आपका बैटरी का वायर जो है वो बाहर निकलने के लिए और दूसरा जो आपका होल है वो आपकी एसी जो आउटपुट है यहाँ से तो 220 वोल्ट नहीं आता है, लगभग 150 से लेकर आपका 120 तक जो है ना वोल्ट आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉट ग्लू लगा के इसको हाइट को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, जो बोर्ड है इसको यहाँ पे चिपकाएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे चिपका लेते हैं। और एक बात बताना आपको भूल गया, ये इन्वर्टर जो है ना काफ़ी अच्छा है। तो इसको अच्छा किस लिए कह रहा हूँ, ये इसको मैंने अपने बाइक पर भी लगाया था, काफ़ी दिन तक जो है ना बाइक पर यूज़ किया मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए और आपका क्या कहते हैं कुछ ऐसे जगह पे आप जाए हो जहाँ पे ट्रिप वगैरह में जहाँ पे आपको लैपटॉप वगैरह चार्जिंग करना है सब कुछ आप जो है इसे चार्ज कर सकते हो, अंडर आपको 100 वाट तक का लोड जो है ना ये उठा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे इंडक्शन का जो भी चीज़ है वो लोड ये उठा नहीं सकता, बिना इंडक्शन वाला जितने सारे लोड है वो आप इससे चला सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो एक स्विच भी हमें लगाना चाहिए, लगाऊंगा जो कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए, वरना बैटरी से पावर लेता रहेगा। अगर आप मान के चलो आप इसको ऑन करके चले गए तो आपका क्या होगा, ऑन करके चले गए और रात को ऑन ही रहा पूरे रात, सुबह अगर आप आके इसको सेल्फ मारोगे तो आपका जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा बैटरी रात को इसका बैटरी डाउन हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी को ऑफ़ करें तो उसका स्विच भी आप ऑफ कर दें, ये बेहतर होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्विच लगा रहा हूँ, वरना स्विच की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। तो इसका नुकसान जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, वो नुकसान क्या क्या हो सकता है इसको लगाने के लिए। देखो हर एक चीज़ का जो फ़ायदा है और नुकसान दोनों रहता है। सबसे पहले मैं आपको नुकसान बताता हूँ,
एक नंबर पे आपका जो बैटरी है उस पे थोड़ा सा जितना है प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस इन्वर्टर को चलती गाड़ी में यूज़ करना है। मान के चलिए आप कहीं पे गाड़ी खड़ा हुआ है तो उसके टाइम पे आप इन्वर्टर यूज़ मत कीजिए। आप किसी लंबे ट्रिप के लिए जा रहे हो, आप इसको यूज़ में ले। जब भी आप इस पे हैवी अप्लायंसेस चलाएंगे, यानी कि मान के चलिए मैं ये हॉट ग्लू है ना, ये आपको बाद में चला के भी दिखाऊंगा, 100 वाट का बल्ब चला के दिखाऊंगा, वो आप चला सकते हो। कब? आपका इंजन स्टार्ट होना चाहिए, आपकी बैटरी रिचार्ज होना चाहिए। जैसे कि आपका गाड़ी अगर स्टार्ट होगा तो आपका बैटरी भी चार्ज होते रहेगा और वहाँ से आपको जो है ना एसी आउटपुट मिलता रहेगा। अगर आप स्टार्ट नहीं रखेंगे तो आपको क्या होगा कि बैटरी से डायरेक्ट लेगा। अगर आप 500 वाट का बल्ब जलाएंगे तो आपको क्या होगा, उसमें से आपको 5 एम्पीयर बैटरी से खींचेगा, है ना, तो उस पर क्या होगा आपका बैटरी जो है ना जल्दी ड्रेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको पूरा चार्ज रखना है, गाड़ी को चालू रखना है, उसके बाद आप हैवी अप्लायंसेस जो है ना चला सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो पूरा बक्से के अंदर इसको डाल दिया, अभी इसको ग्लू से चिपका देंगे, पूरी तरह से जो है ना इसको पैक कर देंगे। और इसको मैंने एक डिज़ाइन करके कलर भी किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखते हो छोटा सा एक मैंने LED भी लगाया ताकि आपको इंडिकेशन मिल सके कि हमारा इन्वर्टर ऑन है या ऑफ है, ये तो पता नहीं चलेगा ना। इसके लिए हमने यहाँ पे एक इंडिकेशन भी लगाया है, काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मगर जितना हो सके मैंने इसके क्लीन लगाने की कोशिश किया, पूरा नीट एंड क्लीन, ऐसा लगे कि मार्केट से ख़रीद के लाया। इस तरीके से जो है ना मैंने इसको शेप देने की कोशिश की। और आखिर में आपको बताऊंगा, सॉरी आखिर में आप बताना कि ये प्रोडक्ट जो है ना कैसे लगा, ये आपका गारंटेड आपका है। मैं और एक चीज़ इस पर लगाने वाला था, वो था आपका 300 वाट का जो इन्वर्टर आपको मिलता है, लेकिन उसमें हमिंग नॉइस बहुत है, करके किस टाइप का एक नॉइस आता है जो आपके कान में चुभता है, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। और ये जो अपना है 100-150 वाट का, इसको मैंने लगा लिया, ये लिखा हुआ है 45, और मैंने इसको किस तरीके से 100 वाट बनाया वो भी उसका भी एक वीडियो आएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप वो भी वीडियो जो है ना आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो तो हमने इसको पूरे लगा लिया, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको लगा लेते हैं और उसके बाद जो है ना आपको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, मान के चलिए आप किसी फील्ड वगैरह में जाएंगे जहाँ पे कोई किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे जाके इसको कनेक्शन करेंगे और इससे सोल्डर आयरन आयरन जो है ना उसको भी चलाएंगे, अपना हॉट ग्लू गन जो होता है ना उसको भी चलाएंगे। एक ग्लू गन आपका 20 वाट का है ना, लेकिन स्टार्टिंग में ये 60 वाट कंज्यूम करता है, मैंने इसको टेस्ट किया था, ये काफ़ी अच्छा है। और इससे पहले मैंने और भी 60 वाट के दो या तीन शायद ग्लू गन खरीदे थे, लेकिन वो ख़राब हो गया, फिर इस वाले ख़रीदा, ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। आप चाहे तो इसका भी इसको भी ख़रीद सकते हो, मैं लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए यहाँ पे इंडिकेशन के लिए लाइट का जो लेग है वो ना छोटा पड़ रहा था, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको यहाँ पे अपना देख सकते हो ग्लू लगा के इसको पूरा वो कर दिया, ताकि आपको जो है लाइट का जो इंडिकेशन है वो बाहर तक आ सके, है ना। तो ये चीज़ कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, इसको देख के वीडियो को देख के बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी वो है जुनून है तो आप वो कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना जो कार है उसका डिग्गी में इसको लगाने वाला है। कार के जो आपका सामने का पोर्शन रहता है जहाँ पे आपका गियर नॉब रहता है, आपका हैंड ब्रेक रहता है, उस पर भी एक हम सॉकेट देने वाला है, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास वो पाना नहीं है जिसके माध्यम से वो अपना जो जो भी सारा चीज़ है उसको खोला जा सकता है, उसको बाद में लगाएंगे एक्स्ट्रा कनेक्शन लेके। अभी फ़िलहाल इसको डिग्गी में लगाने वाला हूँ, और डिग्गी के ऊपर जो अपना क्विड में एक स्पेस रहता है जहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट रहता है, तो उसके साइड में उसके जगह पे हम इसको सॉकेट को लगाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए टेम्पोरली इस पर लगा रहा हूँ, बाद में इसको जो है ना अच्छी तरीके से जहाँ फिट आता है इसका इन्वर्टर उसको वहाँ पे फिट करेंगे। काफ़ी अच्छा जो है ना लुक आने वाला है। आपको एक SUV टाइप कार है तो आपका वहाँ पे AC प्लग भी है, चलते गाड़ी में आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। देखो आप अगर USB से 12 वोल्ट से चार्ज करेंगे तो आपका फ़ोन जो है ना काफ़ी डीप काफ़ी स्लोली चार्ज होता है आपका फ़ोन, है ना। अगर आप AC सिस्टम से चार्ज करेंगे आपके फ़ोन को तो काफ़ी जल्दी जो है ना आपका फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने फिर से इसको कनेक्शन कर दिया कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि बाद में अगर हम इसको लगा दिया पूरी और ये चल नहीं पाया, अंदर में कुछ तार वगैरह छेड़छाड़ हो गया तो
परेशानी होगी ना इसके लिए, यहाँ पे फिर से हम तार जोड़ रहे हैं और इसको फिर से जो है ना चेक करके उसके बाद ही कार पे लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो बटन ऑन करते ही यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है और ये 100 वाट का बल्ब है और ये जल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, तो चलिए इसका थोड़ा सा जो है ना कलर भी करेंगे, क्योंकि ये साधारण सा दिख रहा है ना आपको, PVC का शीट है, तो इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि इस पर थोड़ी सी कलर करने वाले हैं, और कलर भी वो भी आप हाथ से करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं आपका, स्प्रे पेंट नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो आज मैंने किया क्या, पूरे सामान जो है ना डिग्गी पे लेके आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो ये हमने कलर किया, अंदर में टेप लगा के इस साइड में रेड किया और इस साइड में पता नहीं हो कौन सा कलर है, ये दो कलर मिक्स किया आपस में तो ये इस टाइप का बन गया। तो इसको पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है कि ये कौन से रंग है, एक तो रेड पता है, बीच में व्हाइट पट्टी, फिर उसके बाद क्या है उसको मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे हमने एक ग्रुप कटिंग किया, इस पर हम जो है ना AC प्लग इस पर लगाने वाले हैं। तो चलिए अभी एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ ना तो काफ़ी दिक्कत आ रहा है, तो चलिए इसको प्लग यहाँ पर लगा के इन्वर्टर भी यहाँ फिक्स करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल टेम्पोरली के लिए हमने यहाँ पे इन्वर्टर को लगाया है, और बाद में इसमें कहाँ से जो भी है ना उसको लगाएंगे। यहाँ पे हमने नेगेटिव का तार बाहर निकल लिया यहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं नट से गाड़ी की बॉडी पे नेगेटिव टर्मिनल रहता है, और यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको लगाया ग्लू गन को, ये रेड हो रहा है यानी कि ग्लो हो रहा है। तो इसको गर्म करके हम इस पर थोड़ा सा जो है ना जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे, और यहाँ पे 100 वाट का बल्ब जो है ना इसको भी साथ में आपको चला के दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसको भी लगा दिया और ये बल्ब भी जल रहा है, और आसपास में आपको दिखा दूँ काफ़ी दूर तक जो है ना कहीं भी अब बिजली का कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये हम एक घर से काफ़ी दूर है जहाँ पे कोई कनेक्शन वगैरह है नहीं, तो वहाँ पे हमने इसको लगाया कार की बैटरी से, और कार को अभी ना चालू रखा क्योंकि मुझे इतना वो है कि डर लगता है कि अनजान जगहों पे आए हैं, अगर बाई चांस हमें कार हो